सबैजनालाई फेरि पनि ख्रिस्टसको नाममा जय मसीह। आज 2020 जुन महिनाको 26 तारिक आज फेरि एउटा हिन्दी भजन म गाउने क्रममा छु। यसले पनि बडो मिठो कुराहरू दिएको छ साँच्चै नै। यो जसले पनि तयार पार्यो, सङ्गीत दियो अथवा यो लेख्ने काम गर्यो अथवा गायो, बडो राम्रोसँग गाएको छ कि। अनि तपाईँहरू पनि यो सुनेर आश्रित भन्नु होला। हिन्दी भजन छ, बडो मिठो छ, प्रभुको महिमाको लागि, प्रशंसाको लागि। अहिले हामीहरू चर्च जानु सक्दैनौँ अनि हामी फेलोसिप पनि गरेर आउनु सक्दैनौँ, त्यस कारणले आज प्रभुले अचानक यो खालको मलाई ज्ञान दिनुभयो, त्यस कारणले यो भजन म गाउने क्रममा छु। तपाईँहरू सबैजनाले सुनेर आश्रित हुनुहोला है, अनि प्रभुको महिमा गर्नुहोला। किनकि जति हामी भजन गाउँछौँ अनि हाम्रो इम्युनिटी पावर बढ्छ, हामीहरू शक्तिशाली हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ, हामीलाई कुनै पनि डर त्रास भए हुँदैन। यो भजनमा बहुत शक्ति छ है, किनकि दाउदको भजन साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यस कारणले हामीले गाउनु जरुरी छ। यो भजन हामी गाउँछौँ है, र म कोसिस गर्छु पहिलोपल्ट ल। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, इस प्यार को कैसे भूलो। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। पृथ्वी का मालिक है तू, मेरा जीवन का प्रभु है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, इस प्यार को कैसे भूलो। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना
जिंदगी भर में करता रहूंगा। अपना कूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाह को अपना शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा। नया जीवन दिया यीशु, परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। आमेन। ये भजन सभी प्रभु की महिमा हो, मतलब यो पनि एउटा कोशिश हो। पहिलो पल्ट मैले म्युजिक ट्र्याकमा यो भजन लगाउँदैछु किनकि मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि भजन गाउनु ट्र्याक सँगसँगै हिँड्नु हामी छिटो पनि जान सक्दैनौँ, ढिलो पनि जान सक्दैनौँ। फेरि बाई हार्ट गर्नु, शब्दलाई त्यो अनुसारले उच्चारण गर्नु इट्स नट अ अर्डिनरी वर्क है, त्यति सहिलो काम होइन। जसले गर्छ उसलाई त थाहा हुन्छ। एनिवे जे होस् प्रभु महिमा भएको होस्, तपाईँहरू सुनेर आशीर्वाद भएको होस्। थ्याङ्क यू सो मच, गड ब्लेस यू।